गाइस वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आए सीपी रानी सा रेस्टोरेंट, इनकी फेमस राजस्थानी थाली ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए चल के देखते हैं। तो यहाँ पे अंदर एंटर करते हैं, इनके टेबल पे सारी थालियाँ रखी होती हैं और सबसे पहले आपके हैंड वॉश करवाते हैं। तो इसके बाद थाली के साथ दो ग्लास आते हैं, एक ग्लास में पानी देते हैं और एक ग्लास में छाछ डालते हैं। और इसके बाद इन्होंने इसमें तीन तरीके की चटनियाँ डाली थी। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं इस थाली में थोड़े से प्याज और अचार। तो अब यहाँ पे इस थाली में आता है ढोकला और कोल्हापुरी डांडिया। और साथ में यहाँ पे डालते हैं थोड़ी सी टमाटो केचप और कोकोनट चटनी। तो अब यहाँ पे आती है इस थाली में राजस्थानी ऑथेंटिक डिश जिसे कहते हैं दाल बाटी चूरमा। अब यहाँ पे इस थाली में सारी सब्जियाँ डलनी स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे सबसे पहले डालते हैं पनीर की सब्जी, उसके बाद ही डालते हैं बीन्स, फिर आलू की सब्जी, फिर यहाँ पे आ जाती है दाल, गुजराती कढ़ी और आम की सब्जी। इस थाली में रोटी के चार ऑप्शंस मिलते हैं और जो लास्ट में सबसे छोटी वाली रोटी है उसको राजस्थानी फेमस खोबा रोटी कहते हैं। एंड अब यहाँ पे इन्होंने डाला दही भल्ला जो देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। तो अभी ये थाली यहाँ पे कंप्लीट भी नहीं हुई है और ये अभी से ही बहुत भरी हुई लग रही है। एंड यहाँ पे अब इनका नेक्स्ट आइटम आ जाता है आमरस और हलवा। तो अब यहाँ पे आ गए थाली की लास्ट आइटम्स, खिचड़ी, पुलाव और मीठे में रबड़ी मालपुआ। एंड यहाँ पे थाली कंप्लीट हो चुकी है। इसमें थाली में जितना खाना है वो एक इंसान के लिए मोर देन इनफ है। थाली में दाल बाटी चूरमा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो इनका सबसे पहले यही ट्राई करते हैं। ये दाल बाटी चूरमा टेस्ट में काफ़ी अच्छा था, इसमें ऑथेंटिक राजस्थानी टेस्ट आ रहा था। इसके बाद मैंने ट्राई करी इनकी नॉर्मल रोटी पनीर महाराजा सब्जी के साथ और इनकी ये पनीर की सब्जी काफ़ी अच्छी थी टेस्ट में। तो अब ट्राई करते हैं इनका ढोकला। इनका ढोकला भी सॉफ्ट था और टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। तो ये राजस्थानी खोबा रोटी है, इसको ट्राई करते हैं। तो ये खोबा रोटी खाने में काफ़ी टाइट सी थी और इसका टेस्ट मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे राजस्थानी म्यूजिक चलता रहता है टू मैच द होल राजस्थानी वाइब। तो इनका पुलाव भी टेस्ट में ठीक था, इसमें मसाले काफ़ी नॉर्मल थे और ये खाने में ठीक लग रहा था। इसके साथ ही मैंने इनकी छाछ भी ट्राई करी थी, वो भी काफ़ी नॉर्मल थी। तोड़ने में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और जो दही है ना वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल स्वीटनेस है उसमें, जो काफ़ी अच्छी लग रही है खाने में। तो इसके बाद मैंने इसकी सारी सब्जियां ट्राई करी और सारी सब्जियों का टेस्ट अच्छा था, सारी खाने में अच्छी लग रही थी।
एंड इतना खाने के बाद मैंने मीठे में ट्राई करा इनका रबड़ी मालपुआ जो टेस्ट में अच्छा था। इसके बाद मैंने ट्राई करा इनका आमरस जो टेस्ट में थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा था। इस थाली में आप कुछ भी कितनी भी बार रिफिल करा सकते हो, ये बिल्कुल अनलिमिटेड है। बस यहाँ पे एक कंडीशन है कि पर पर्सन एक ही थाली मिलती है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते दूसरे बंदे के साथ। तो इस थाली को एक बार ट्राई करना बिल्कुल वर्थ इट है, तो सीपी आके इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।